हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पर्टिकुलर पेज पर पेज बॉर्डर कैसे बनाते हैं। यानी कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारे पेज हैं और आप किसी खास पेज पर सिर्फ उसी पेज पर पेज बॉर्डर बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिलहाल चार पेजेस लिए हुए हैं। अब इसमें से हम इस तीसरे वाले पेज पर पेज बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि सिर्फ इसी पर बनाएंगे और किसी पर पेज बॉर्डर नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पेज को मतलब जिस पेज पर भी आप पेज बॉर्डर बनाना चाहते हैं, अगर सिर्फ उसी पर बनाना चाहते हैं, तो लेफ्ट और राइट वाले पेज से उसको अलग कर दीजिए। तो इस तीसरे वाले पेज पर पेज बॉर्डर बनाने के लिए हम इसको लेफ्ट और राइट पेज से अलग करेंगे। ठीक है, अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके जस्ट बगल वाले पेज पर हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल कर्सर आपको ब्लिंक करता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हम ऊपर के रिबन में लेआउट टैब पर जाएंगे। ये रहा लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है ब्रेक्स पर। ये देखिए, ये रहा ब्रेक्स का ऑप्शन। ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स के अंदर हमें जाना है कंटिन्यूअस पे। ये देखिए, ये रहा कंटिन्यूअस। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसके जस्ट बगल वाले, यानी कि अभी हमने लेफ्ट वाले को अलग किया, अब हम राइट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइट पेज पे इसके जस्ट राइट में जो पेज था उस पर कर्सर फिलहाल ब्लिंक कर रहा है। तो अब वही सेम प्रोसेस हम इस पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले क्लिक किया, उसके बाद हम वापस से गए लेआउट टैब में। ठीक है, उसके बाद वापस से गए ब्रेक्स में। ठीक है, हमने इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक किया और सेक्शन ब्रेक्स के अंदर वापस से हमने कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, हमने कंटिन्यूअस पर क्लिक कर दिया। अब ये पेज मतलब ये वाला पेज जो है और ये वाला पेज जो है, इससे अलग हो गए हैं। ठीक है, अब ये सेपरेट है। अब हमें इस पर बॉर्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम जाएंगे डिजाइन टैब में। ये रहा डिजाइन टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, राइट साइड में आपको पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बीच वाला ऑप्शन, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। इन सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद, जैसा बॉर्डर आपको बनाना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई टू पे जाइए। ठीक है, यहाँ पर इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और दिस सेक्शन पे सेलेक्ट कर लीजिए, दिस सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे बॉर्डर सिर्फ तीसरे पेज पर बनेगा। तो इसके लिए क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, सिर्फ तीसरे पेज पर बॉर्डर बन गया। ठीक है,